अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू जॉब्स नॉलेज गुरु यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। नाज़रीन, ASF में साल 2022 की सबसे बड़ी भर्ती अनाउंस हुई है। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपने इसके लिए अप्लाई कैसे करनी है। अप्लाई में बहुत बड़ा मसला आ रहा है लोगों के लिए, तो वो आपको बताऊंगा कि आपको मसला आ रहा है तो आपने क्या करना है। लेकिन इसके साथ अगर आप पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं तो आपको इन्फॉर्म करा चलूँ कि इसमें जो वैकेंसीज़ है वो है ASI की 158 वैकेंसीज़ है, बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके साथ कॉर्पोरल की है 1002 वैकेंसीज़। इसके तमाम तर डिटेल्स, मेरिट, कोटा जो भी है, आप इसको मैं बता रहा हूँ आपने क्या करना है। वेबसाइट पर जाना है। अगर आपको ये एडवर्टाइजमेंट चाहिए PDF में हासिल करने के लिए तो आपने क्या करना है, सिंपली इस क्या वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट पे जाने के बाद आपने इस वेबसाइट को ओपन करना है और यहीं से आप इसको डाउनलोड कर। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये तमाम तर वैकेंसीज़ है जो कि अनाउंस हुई है। और इसके लिए अगर एक मसला जो आ रहा है तमाम कैंडिडेट्स के लिए कि वो ये है कि अब जब आप ASF की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे उनकी वेबसाइट पे जो है वो बहुत ज़्यादा रश हो गया है और वो अब ओपन नहीं हो रही, उनकी वेबसाइट जो है वो ओपन नहीं हो रही और इसलिए आपके लिए मसला है और आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अब आपने क्या करना है, आपको मैं तरीका बता रहा हूँ। ये देखिए, आपके सामने मैं लिखता हूँ जॉइन ASF, ये उनकी वेबसाइट के लिए मैं लिखता हूँ और ये पहली पहली उनकी वेबसाइट यहाँ पर आ जाएगी। ये देखिए, इसको अब इसको मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर आपके सामने। तो इसको मैं जैसे क्लिक करूँगा तो इनकी वेबसाइट पर ये देखिए सर्वर एरर आ रहा है, आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो ये इस तरह आप इनकी वेबसाइट जो है वो ओपन नहीं हो रही है। यहाँ पे देखिए, ये वेबसाइट मैंने चेक की है तो इसमें कुछ एरर सारे तौर आ रहे हैं। इसका क्यों ये एरर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा रश है, सारे लोग एक साथ अप्लाई कर रहे हैं। तो ये उनको हल करने की कोशिश कर। अब आपने क्या करना है, इसका क्या हल है, अब आपके पास एक ही हल है कि एक तो आप पहले वेट करें। आप वेट इस तरह करें कि जैसे इनकी वेबसाइट काम करना शुरू कर देती है, और इसके तरीकेकार ये है कि आपने क्या करना है, जब रश कम होता है, रश किस टाइम कम होता है, सुबह बहुत, जब आप सुबह सवेरे 4 बजे 3 बजे अप्लाई करें, रात को लेट अगर आप अप्लाई करते हैं तो ऐसे टाइम पे वहाँ पे वेबसाइट पे रश कम होता है। तो आपने पहले वेबसाइट पे जाना है और ये वेबसाइट का नाम है जॉइन ASF। जैसे ही गूगल मिलेंगे तो आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे। अब आपके पास अप्लाई करने के लिए दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और एक ऑप्शन ये है कि आप ASF का एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करें। आपके पास खुद चॉइस है कि आपने किस पे अप्लाई करनी है, लेकिन एक याद रखे बात, एक ही आप तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि आपने एक दफ़ा ऑनलाइन से कर लिया, अब आप कहते हो कि नहीं मेरा ऑनलाइन में मसला ये है वो है, अब मैं इसको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करता हूँ और इससे भी करता हूँ। तो ये आप इस तरह नहीं कर सकते, एक तरीके से अप्लाई करें। यहाँ जहाँ तक मेरी सजेशन है तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप कोशिश करें कि इसका दरख्वास्त फॉर्म जब वेबसाइट काम करना शुरू कर ले तो वो डाउनलोड कर ले। इसका एप्लीकेशन फॉर्म ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर किसी उम्मीदवार को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में दुश्वारी हो तो ऊपर दी गई वेबसाइट या ASF.gov.in से दरख्वास्त फॉर्म डाउनलोड करके मुकम्मल पुरस्कार दरख्वास्त फॉर्म ASF के मरकज पर 15 दिन के अंदर अरसाल करें। तो आपने दरख्वास्त फॉर्म डाउनलोड करनी। अब चूंकि वेबसाइट में मसला है तो थोड़ा सा वेट करें, इंशाल्लाह 1 या 2 दिन में ये वेबसाइट में जो मसला है हल हो जाएगा। तो आप क्या करें, यहाँ पे जाएं ASF की वेबसाइट पे, वहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है या वो फिल करें, या उसके लिए जो दरख्वास्त है वो डाउनलोड कर ले, उसको फिल कर ले। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाह रहे हैं कि आपने दरख्वास्त फॉर्म से अप्लाई की है तो अब आपने क्या करना है, एक से ज़्यादा असामियों के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपने अलग-अलग रजिस्ट्रेशन करनी है या अलग-अलग दरख्वास्त फॉर्म डाउनलोड करके उसको फिल करना है। जब वो फिल करेंगे तो आपने अपने ASF के जो नज़दीक तरीन सेंटर्स होंगे उस सेंटर पे ये दरख्वास्त जो है आपने सेंड करने होंगे। यहाँ पे मेंशन है कि आपने क्या करना है, ASF के नज़दीक तरीन सेंटर जो है उस पे दरख्वास्त फॉर्म आपने सेंड करने हैं। आपके नज़दीक तरीन सेंटर कौन से हैं, ये वाले सेंटर है, ये देखिए इसमें से जो भी सेंटर नज़दीक होगा उसका एड्रेस आप ढूंढ लें और इसी पर आप सेंड करें। इसके साथ आपका जब ये हो जाएगा तो आपको क्या हो जाएंगे, अप्लाई के बाद आपको यहाँ पर रोल नंबर स्लिप इशू होंगे। सबसे पहले फ़िज़िकल और मेडिकल टेस्ट की स्लिप, ये स्लिप आपको ASF की वेबसाइट पर मिल जाएंगे, इसको आप डाउनलोड करना होगा। और ये उसके फ़िज़िकल टेस्ट का क्राइटेरिया है कि आपको फ़िज़िकल टेस्ट पहले पास करना है, उसके लिए 1.6 किलोमीटर का आपने रनिंग करनी है और 7 मिनट में करनी है। ये मेल के लिए है और उसके साथ 22 पुशअप्स होते हैं और 22 सिटअप होते हैं। ये तमाम तरह से क्राइटेरिया है, जब ये आप पास कर लेंगे तो इसके बाद आपको टेस्ट के लिए कॉल करेंगे। ये तो थी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कि अभी अप्लाई में मसला आ रहा है, आप थोड़ा वेट करें। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें बता दी हैं, मज़ीद जैसे ही ये वेबसाइट पर काम करना शुरू करते तो हम आपके लिए इस पर डिटेल वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन विदाउट एनी इशू। सो मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए इसको विजिट करें हमारे चैनल को। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।